क्या बात है, आज बड़ी खुश हो, चेहरा खिल उठा है। इतने दिन लगता था कि भाग फूटे हैं मेरे, पर अब लगता है कि दिन फिर रहे हैं। इतना तो तय है कि अगर तुम मेरी बात को ना मानकर गलत रास्ते पर जाओगी तो इसका नतीजा भी तुम्ही को भुगतना पड़ेगा। रोगी को इंजेक्शन देना, रोगी को सही दवाई देकर ठीक करना, बस यही एक काम है जो मुझे आता है, ना कि घर बसाना। ये काम मुझे किसी ने नहीं सिखाया और मैं सीखना भी नहीं चाहता। आते वक्त आप कुछ पूछ रहे थे ना कि मेरे पति क्या करते हैं? हाँ, ऐसी पूछने का मन किया, छोड़ो वो बात। मेरे पति एक डॉक्टर हैं, वे इलाज करते हैं, नाम है श्रीधर राव। अच्छा, आपके पति तो बहुत खुशनसीब हैं फिर। ऐसा क्यों? उन्हें आप जो मिली। कौन था वो आदमी? मुझे बिना बताए कितने दिन से चल रहा है ये सब? डांस के नाम पर कितने दिन से गुलछर्रे उड़ा रही हो? ये सवाल तुमको पूछना शोभा नहीं देता। क्या बोली? यही कि ये सवाल तुमको पूछना। बेशरम हो के बाजारों औरतों की तरह घूम रही हो और जबान लड़ाती हो। ये लाओ इधर। क्या है ये? इसी के ऊपर इतना घमंड है तुमको? हाँ? मुझे एक पत्नी की तरह नहीं बल्कि एक गुलाम की तरह देखता था। नामर्द के साथ घर बसा लेती, मगर एक शक करने वाले पति के साथ घर बसाना मुश्किल हो गया। मुझ पर शक करके मेरे आत्मसम्मान को मार डाला। और फिर उस दिन से उस आदमी के साथ एक ही छत के नीचे रहना मेरे लिए नामुमकिन हो गया। मेरे साथ आओगी? कहाँ ले जाओगे तुम? कहीं भी, जहाँ जी चाहे। तुम बहुत मीठी बातें करते हो। ऐसा क्या? शुक्रिया। पहले बहुत अटपटा लगता था। और अब? मन में अगर प्रेम हो तो सब अच्छा लगता है। तो अब आओगी ना? कब? थोड़ा समय चाहिए। अब मुझसे इंतजार नहीं होता। सलीम, यही अच्छा है, हम ऐसे मिल सकते हैं ना? तुम्हें अच्छा लगता होगा पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब मुझसे इंतजार नहीं होता। और सुन लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सलीम जब पूछा तभी उसके साथ जाने का मन किया, पर मैं जिस स्थिति में थी उस स्थिति ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरे इस निर्णय के परिणाम के बारे में, घर की परिस्थिति के बारे में, मेरे घर के दूसरे सदस्यों के बारे में मैंने बहुत सोचा।
सलीम मुझे एक अच्छा जीवन देगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं था। तुम्हारे पति, तुम्हारे मामा, गांव के लोग हमसे अनजान है क्या? ये क्यों पूछ रहे हो? उन्हें पता चला तो? आज नहीं तो कल उन्हें पता चल ही जाएगा, लेकिन तब तक हम बहुत दूर निकल गए होंगे। कुछ दिनों तक हमारी तलाश करेंगे, फिर थक कर बैठ जाएंगे। अब ये रहा हमारा आशियाना। आओ। और ये रहा हमारा छोटा सा चूल्हा। लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाओगी तो बहुत मजा आएगा मालूम। और हाँ, मैं मछली बहुत अच्छी बनाता हूँ, कभी बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें। ठीक है, आओ। वहां उस तरफ नहाने का जगह है। अब तक मैं अकेला ही रहता था तो समझ गई मैं। बिस्तर वहां रख के बीच में एक साड़ी बांधना है। हाँ। यही ना? आओ। पर तुम्हारे माँ बाप नहीं है? जब मैं 10 साल का था उस वक्त अब्बा और अम्मी चल बसे, तब से मैं अकेला ही हूं। एक दिन अब्बा और अम्मी शहर से वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया, दोनों चल बसे। मेरे मामा ने मेरी देखभाल की, ये चमड़ा का व्यवसाय उन्हीं ने मुझे सिखलाया। बहुत मेहनत की मैंने। मैं ये काम करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैंने अपने मन को मार कर ये काम सीखा, जबकि मुझे ये पसंद नहीं था। मुझे ये काम अच्छा तो नहीं लगता और इसीलिए कभी कभी भाग जाया करता था। सोचता था कि मैं गलत कर रहा हूं, तब पता नहीं था क्या अच्छा है और क्या बुरा, लेकिन कोई समझाने वाला भी तो नहीं था ना। अच्छा, तुम मछली लाओगे ना? हाँ, तुम नहीं खाती ना? तुमको तो पसंद है ना, तुम खाना, मैं देखती रहूंगी। अच्छा, मैं लेकर आता हूँ। तुम नहा के, अम्मी की साड़ी अलमीरा में है, तुम पहन लेना।